वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू दोस्तों, सबका स्वागत है एजुकेशन कैटेसिक्स में। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करेंगे स्टैटिक जीके में, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के सिनारियो में सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। चलिए आप कॉपी कलम लेकर बैठ जाइएगा। वैसे अगर आपको आंसर तो पता होता ही है, अगर नहीं भी पता है तो इसका PDF हम आपको शेयर करेंगे, वो PDF ले लीजिएगा। दूसरी बात मैं बता दूँ कि आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है दोस्तों कोर्ट का नाम होगा, ठीक है। उसके अलावा ज्यूरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार जो होता है उस कोर्ट का कितने राज्यों में होता है ये बताएंगे। चीफ जस्टिस यानी कि मुख्य न्यायाधीश कौन है उस कोर्ट के ये भी बताएंगे। और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट उनका कब तक है और कब तक कितने काल तक का है समय उनका, यहाँ पे ये भी बताएंगे। तो ये 5 टॉपिक है आज के सिनारियों में। आपको मैंने एक टेबल वाइज ये सारी चीज़ें बताई हैं। टेबल में इन 5 का टेबल बनाया है मैंने, उसका नाम लिखा है हर वो टॉपिक, हर वो जज का नाम, मुख्य न्यायाधीश का नाम, जो कि आपको इसको नोट करना है, ठीक है। ये आज का कोई क्यूज नहीं है, बस एज ए जानकारी आपको ये मैं देना चाहता हूँ, क्योंकि स्टैटिक जीके का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है ये आज का, ओके। तो ये नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों करेंट अफेयर की क्लास रोज सुबह देखा करें, सुबह के 3 बजे, जो कि आपके चैनल पे पब्लिश कर दिया जाता है एजुकेशन कैटेसिक्स पे। चैनल को देखिए प्लीज, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से जा सके। दोस्तों इसका PDF हम आपको शेयर करते हैं टेलीग्राम पे, तो एजुकेशन कैटेसिक्स को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम पे जाके। अब चलिए हम शुरू करते हैं उन सभी कोर्ट के नेम यानी कि जो स्टेट वाइज हैं, और ज्यूरिडिक्शन जो कि यहाँ पे हमने बताए हैं सारी चीज़ों को, यानी कि क्षेत्राधिकार है जो इसका, जितने कोर्ट हैं उनके क्षेत्राधिकार कहाँ कहाँ हैं, उसके चीफ जस्टिस के नाम और उनका अपॉइंटमेंट और रिटायरमेंट कब तक होगा, ये सारी चीज़ें, ओके। चलिए तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, पहला एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि देखिए यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपको कि पहला जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी हाई कोर्ट इन इंडिया, कुल कितने हाई कोर्ट इंडिया में हैं, ये ध्यान दीजिएगा। आंसर होता है यहाँ पे दोस्तों इट्स अ 25, जी हाँ 25 है। और आपको पता होना चाहिए जिसमें कि 6 जो ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ज्यूरिडिक्शन यानी कि ये बहुउद्देशीय क्षेत्राधिकार अपना रखता है, जो इसमें 6 ऐसे कोर्ट हैं, ठीक है। अब देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे सबका, यहाँ पे मैं लिस्ट बना के रखा हूँ, कोर्ट का नाम, ज्यूरिडिक्शन, चीफ जस्टिस कौन है वहाँ के, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट कब है और डेट ऑफ रिटायरमेंट कब है उनकी। तो इनका जो लिस्ट है ये आपको बताना है मुझे, तो ये आप नोट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं अब हम। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है पूरे देश में अपने, ये याद रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट एक ही है और ये इसका ज्यूरिडिक्शन यानी कि क्षेत्राधिकार है वो पूरे भारतवर्ष में है, ठीक है। चीफ जस्टिस कौन है अभी यहाँ के, तो रंजन गोगोई हैं, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है इंपॉर्टेंट। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इनका 3 अक्टूबर 2018 से लेकर 17 नवंबर 2019 तक का है, तो ये डेटा पूछा जा सकता है एग्जाम में आपके। अगला जो है हमारा इलाहाबाद हाई कोर्ट, तो देखिए ये सारे अल्फाबेट के हिसाब से मैंने इसको सजा दिए हैं, अल्फाबेट के हिसाब से इलाहाबाद पहले आता है, तो ये इसका ज्यूरिडिक्शन जो है उत्तर प्रदेश में है। और गोविंद माथुर हैं अभी यहाँ के चीफ जस्टिस, इनका कार्यकाल 14 नवंबर 2018 से लेकर 13 अप्रैल 2021 तक का है, ओके। अगला जो है यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है, इसका पूरा ज्यूरिडिक्शन आंध्र प्रदेश का है। और ये है चागीर प्रवीण कुमार हैं ये आपको नोट करना होगा, यहाँ पे 1 जनवरी 2019 से लेकर ये 25 फरवरी 2023 तक के इनका कार्यकाल यहाँ पे रखा गया है, ओके। अब देखिए हम बात करेंगे बॉम्बे हाई कोर्ट की, तो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इससे पहले आंध्र प्रदेश का देख लिया हमने, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो क्षेत्राधिकार है यानी कि जो इसका ज्यूरिडिक्शन है ये कहाँ कहाँ है, तो एक तो गोवा है, दूसरा दादर नगर हवेली है, तीसरा दमन एंड दीव है, और चौथा है महाराष्ट्र का, यानी कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन एरिया है वो लगभग 4 स्टेट में है, गोवा, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव। तो दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव क्या है दोस्तों, तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका ये जो राज्य है ये केंद्र शासित प्रदेश है, ओके, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र और गोवा जो है इसका ज्यूरिडिक्शन भी बॉम्बे हाई कोर्ट ही देखता है, यानी कि क्षेत्राधिकार इसका। दोस्तों आपको बता दें कि जो इसके चीफ जस्टिस हैं वो अभी फिलहाल चेंज हुए हैं, नरेश हरिचंद्र पाटिल हैं अभी, ठीक है, जो कि 7 अप्रैल 2019 से ये 23 फरवरी 2020 तक इनका कार्यकाल होगा यहाँ पे।
अब देखिए, ये है कलकत्ता हाई कोर्ट, दूसरा जो है ये कलकत्ता हाई कोर्ट है, और इसमें भी अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है और वेस्ट बंगाल, यानी कि जो दो है इसका क्षेत्र स्टेट जो है अंडमान एंड निकोबार और आइसलैंड यहाँ पे है और वेस्ट बंगाल, यानी कि दो है स्टेट इसके अंदर में, इसके क्षेत्राधिकार में कलकत्ता हाईकोर्ट के। और यहाँ पे जो इनके चीफ जस्टिस हैं वो राधा कृष्णन है, नोट कर लीजिएगा, थोथिल बी राधा कृष्णन इनका पूरा नाम है एक्चुअली, ठीक है। और ये 4 अप्रैल 2019 से 28 अप्रैल 2021 तक इनका कार्यकाल है। चलिए आगे देखते हैं छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का जो ज्यूरिडिक्शन है वो यानी कि क्षेत्राधिकार है छत्तीसगढ़ में ही है, और चीफ जस्टिस है यहाँ के पी आर रामचंद्र मेनन, ये नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट नाम है जितने भी जस्टिस के, जितने भी मैंने रेड कलर से किए हैं वो नोट करने लायक है। और दोस्तों इसका पीडीएफ वैसे मैं आपको दे दूंगा, पर वीडियो को देखिएगा पूरा अच्छे से और याद रह जाएगा। अगर आपको कहीं लगता है इसमें कि आप भी यहाँ पर आंसर कर सकते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि 6 मई 2019 से 31 मई 2021 तक का इनका कार्यकाल है। अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे हम दिल्ली हाई कोर्ट की। तो दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का है, जो एरिया सिर्फ और सिर्फ दिल्ली का, यानी कि एक तो एनसीआर में भी कुछ कुछ स्टेट के जगह आते हैं तो वो भी इसी के तहत देखे जाते हैं दिल्ली हाई कोर्ट के तहत। और इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो नोट कर लीजिएगा आप लोग, चीफ जस्टिस कौन है इसके, तो चीफ जस्टिस हैं राजेंद्र मेनन, नोट कर लीजिएगा, आंसर इंपॉर्टेंट है होता है यहाँ पे। 9 अगस्त से लेकर 6 जून 2019 तक इनका कार्यकाल है, ये ध्यान रखिएगा। गुवाहाटी हाई कोर्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया है एक्चुअली। तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम, नागालैंड, तो ये भी चार स्टेट के जो ज्यूरिडिक्शन है वो अपने अंदर रखता है गुवाहाटी हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो ये जितने भी चार चार वाले स्टेट के ज्यूरिडिक्शन रखने वाले स्टेट हैं, हाई कोर्ट हैं, उनका नाम पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे, या तो इंटरव्यू में जरूर पूछे जाएंगे आपसे अगर कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो। दोस्तों इसके जो चीफ जस्टिस हैं एएस भोपाना है, नोट कर लीजिएगा, ये 29 अक्टूबर 2018 से लेकर 19 मई 2021 तक इनका कार्यकाल है, ठीक है। अगला देखिए, गुजरात हाई कोर्ट का लिस्ट है यहाँ पे, गुजरात हाई कोर्ट का जो है वो सिर्फ गुजरात में इसका यहाँ पे ज्यूरिडिक्शन है, क्षेत्राधिकार है। और अनंत कुमार सुरेंद्रई दबे जो हैं ये एक्टर हैं एक्चुअली, और ये बने हैं यहाँ के चीफ जस्टिस, ओके, गुजरात हाई कोर्ट के। दोस्तों आपको बता दें कि ये 15 नवंबर 2018 से लेकर 4 दिसंबर 2019 तक इनका कार्यकाल है। अगला देखिए, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, तो ये है जम्मू एंड कश्मीर के लिए, और गीता मित्तल हैं अभी यहाँ के चीफ जस्टिस, और इसका अपॉइंटमेंट हुआ था 11 अगस्त 2018 से लेकर 8 दिसंबर 2020 तक के लिए। तो ये सारे के सारे जो डेटा है दोस्तों ये लेटेस्ट हैं और करेक्ट हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे डेटा आप लोग लिखिए याद कीजिए, ताकि क्वेश्चन को आपको याद करने में दिक्कत ना हो। बस जैसे जैसे पीडीएफ को पढ़िएगा तो याद होगा ही, पर भूलते भी जाइएगा, पर एक बार लिख लीजिएगा तो ये सारा क्वेश्चन आपको याद रह सकता है। झारखंड हाई कोर्ट जो है वो आता है झारखंड के तहत, ठीक है, और ये हैं अनिरुद्धा बोसे जो यहाँ की जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस हैं, और ये 11 अगस्त 2018 से लेकर 10 अप्रैल 2021 तक का इनका कार्यकाल है। कर्नाटक हाई कोर्ट जो है उसके जो क्षेत्राधिकार है वो कर्नाटक में ही है, पूरे कर्नाटक में है, और ये हैं अभय श्रीनिवास ओका, इनका पूरा नाम है क्या, अभय श्रीनिवास ओका, नाम नोट कर लीजिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में भी, ठीक है। तो ये हैं ओका, और 10 मई 2019 से लेकर अभी इनका सिलेक्शन ये हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक के लिए कि चीफ जस्टिस बने हैं 10 मई से लेकर 24 मई 2022 तक के लिए, ओके। चलिए केरला हाई कोर्ट के बारे में बात करेंगे, तो केरला हाई कोर्ट जो है वो लक्षद्वीप और केरला, ये दो स्टेट का यहाँ ज्यूरिडिक्शन है इसका, यानी कि क्षेत्राधिकार है, और ऋषिकेश रॉय जो है यहाँ के चीफ जस्टिस हैं, नोट कर लीजिएगा। 8 अगस्त से इनका भी यहाँ पे ज्वाइनिंग है और 31 जनवरी 2022 तक की ज्वाइनिंग है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कार्यकाल इनका लंबा है यहाँ पे फिलहाल अभी। मध्य प्रदेश की बात करते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का पूरा एरिया है ज्यूरिडिक्शन का इनका मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का, और संजय कुमार सेठ जो है यहाँ के चीफ जस्टिस हैं। देखिए आपको मेनली जो है ना वो क्षेत्राधिकार ज्यूरिडिक्शन तो नहीं पूछेगा,
पर जो जो चार चार स्टेट या दो दो स्टेट वाले ज्यूरिडिक्शन है वो पूछे जा सकते हैं, पर मेन है चीफ जस्टिस का। यहाँ पे चीफ जस्टिस के नाम देने थे मुझे आपको, इसलिए ये पूरा सिनारियो मैंने बनाया है। और इनका कार्यकाल भी पूछा जा सकता है जो कि 14 नवंबर 9 जून तक है, 14 नवंबर 2018 से लेकर 9 जून 2019 तक है। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए क्वेश्चन क्या, मतलब मद्रास हाईकोर्ट के बारे में बात करेंगे। मद्रास हाईकोर्ट जो है यहाँ पे दो स्टेट को ज्यूरिडिक्शन देता है, एक तो पांडिचेरी है और एक तमिलनाडु है। ठीक है, तमिलनाडु जो मद्रास हाईकोर्ट है उसके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं बिजया तहिलरा मनी, नोट कर लीजिएगा बिजया तहिलरा मनी। ओके, जो कि 12 अगस्त 2018 से लेकर 2 अक्टूबर 2020 तक का इनका कार्यकाल है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि मणिपुर हाईकोर्ट जो है वो मणिपुर के लिए है सिर्फ ज्यूरिडिक्शन इसका, और रामालिंगम सुधाकर इनका नाम है जो कि चीफ जस्टिस हैं इस स्टेट के, इस हाईकोर्ट के। 8 मई से लेकर 2018 के ही ये 13 फरवरी 2021 तक का इनका कार्यकाल यहाँ पे दिया गया है। दोस्तों एक है हमारा स्टेट मेघालय हाईकोर्ट, तो मेघालय हाईकोर्ट जो है दोस्तों इसका ज्यूरिडिक्शन है मेघालय में, और मेघालय याकूब इनका जो चीफ जस्टिस हैं वो है मोहम्मद याकूब मीर, इनके जो चीफ जस्टिस हैं। डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है इनका 21 मई 2018 से लेकर 27 मई 2019 तक का। ओके, अगला जो है हमारे हाईकोर्ट उड़ीसा हाईकोर्ट है, तो उड़ीसा हाईकोर्ट के लिए उड़ीसा ज्यूरिडिक्शन है इनका, और कल्पेश सत्येंद्र जावेरी जो है इसके चीफ जस्टिस हैं। याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में आपके। और यहाँ पे दोस्तों 12 अगस्त 2018 से लेकर इनका कार्यकाल है 4 जनवरी 2020 तक का। ओके, अगला है यहाँ पे कि पटना हाईकोर्ट। देखिए पटना हाईकोर्ट का है ज्यूरिडिक्शन बिहार का पूरा, और यहाँ पे चीफ जस्टिस हैं अमरेश्वर प्रताप शाही, नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। और 17 नवंबर 2018 से लेकर 31 दिसंबर 2020 तक का इनका कार्यकाल है पूरा अभी तक। और पंजाब हाई हरियाणा हाईकोर्ट, ये इसका नाम है पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट, तो ये चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब तीन स्टेट जो है आते हैं, जिनमें कि चंडीगढ़ जो है वो आपका टेरिटरी स्टेट है यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और हरियाणा और पंजाब ये दोनों मिलाकर इसका ज्यूरिडिक्शन स्टेट आता है। यहाँ पे जो चीफ जस्टिस हैं दोस्तों ये हैं कृष्णा मुरारी, नोट कर लीजिएगा कृष्णा मुरारी, और डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इनका 2 जून 2018 का है, और अब रिटायरमेंट करेंगे ये 8 जुलाई 2020 तक का इनका कार्यकाल है। अगला है यहाँ पे राजस्थान हाईकोर्ट जो है ज्यूरिडिक्शन राजस्थान में ही है, और इनके जो चीफ जस्टिस हैं वो हैं श्रीपति रविंद्र भट्ट, नोट कर लीजिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और 15 मई 2019 से इनका सिलेक्शन हुआ है यहाँ पे अपॉइंटमेंट, और 20 अक्टूबर 2020 तक का कार्यकाल इनका बताया जा रहा है। अगला है कि सिक्किम हाईकोर्ट जो है वो दोस्तों सिक्किम के ज्यूरिडिक्शन के लिए बना है, और विजय कुमार विष्ट जो है वो चीफ जस्टिस हैं, नोट कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। और 30 अक्टूबर 2018 से लेकर ये 16 सितंबर 2019 तक के इनका कार्यकाल बताया जा रहा है यहाँ पे। अगला देखते हैं तेलंगाना, दोस्तों नोट कर लीजिएगा तेलंगाना हाईकोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर क्वेश्चन में पूछा जाएगा क्योंकि अभी ये स्टेट आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है, तो ज्यूरिडिक्शन है इसका आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जो कि तेलंगाना ही है, और चीफ जस्टिस है यहाँ के राघवेंद्र सिंह चौहान जो कि एक एक्टर भी रह चुके हैं, और 3 अप्रैल 2019 से 23 दिसंबर 2021 तक इनका कार्यकाल बताया गया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट, तो ये ज्यूरिडिक्शन है इसका त्रिपुरा, और संजय करोल हैं इसके चीफ जस्टिस, और 14 नवंबर 2018 से लेकर 22 अगस्त 2023 तक का इनका कार्यकाल है जो कि सबसे लंबा कार्यकाल इनका है, तो ये क्वेश्चन बनता है इंपॉर्टेंट। और आज का आखिरी जो है यहाँ पे कोर्ट का नाम वो है उत्तराखंड हाईकोर्ट, और उत्तराखंड हाईकोर्ट ज्यूरिडिक्शन आता है उत्तराखंड के लिए। दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पे चीफ जस्टिस जो हैं वो रमेश रंगनाथन है, नोट कर लीजिएगा, और 2 नवंबर 2018 से लेकर 27 जुलाई 2020 तक का इनका कार्यकाल है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन जो थे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस के बारे में अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, हर एग्जाम का सिनारियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। वैसे चीफ यहाँ स्टैटिक जी के इसीलिए आपको रोज कराए जा रहे हैं शाम को 7:30 बजे
एजुकेशन के एटेसिक्स पे, तो देखना ना भूलें हर वो टॉपिक, शाम को 7:30 बजे जरूर ज्वाइन करें, ठीक है। तो आज के सिनारियों में इतना ही था दोस्तों, हमारे साथ आप बने रहें इसका बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा।